गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं रणबीर कुमार साही और आप सभी का फिर से हमारे टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्रेडेंशियल मैनेजर के बारे में। क्या आपको पता है दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कंट्रोल पैनल यूज करते हो? कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन हमारे सामने दिखता है क्रेडेंशियल मैनेजर। तो क्या आपको पता है कि क्रेडेंशियल मैनेजर वाकई में होता क्या है? अगर नहीं पता है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे अगर आप किसी वेबसाइट को अपने ब्राउजर में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो वहां पर जब आप आईडी और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए जब आप किसी जीमेल में या फेसबुक में या किसी भी पोर्टल में आप लॉग इन कर रहे होते हैं, या तो अगर आप किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी फोल्डर को शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। या तो अगर आप किसी के सिस्टम को भी रिमोट ले रहे हो, तो विक्टिम सिस्टम की यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये भी देखते हो कि जब आप पासवर्ड डालते हो, तो आपसे पूछा जाता है सेव पासवर्ड। दो ऑप्शन आते हैं, एक नेबर या नोप करके और एक सेव करने के लिए। तो अगर आप सेव करते हो, तो क्या आपको पता है कि वो पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड वाकई में सेव कहां पर होता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रेडेंशियल मैनेजर कंट्रोल पैनल के अंदर एक ऐसा फीचर अवेलेबल होता है जहां पर हमारे ये यूजर नेम और पासवर्ड अवेलेबल होते हैं। इट मींस क्रेडेंशियल मैनेजर एक ऐसा डिजिटल लॉकर है जहां पर विंडोज लॉग इन क्रेडेंशियल, यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर करता है। इट मींस कि जो हमारे यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो क्रेडेंशियल होता है। अगर हम दूसरी कंप्यूटर्स, नेटवर्क या सर्वर्स की बात करें, जहां पर जैसे कोई वेबसाइट की लोकेशन हम दे सकते हैं, वहां पर जैसे फेसबुक में लॉगिन करना, इस तरह की, और ये जो डेटा होती है, जो यूजर नेम और पासवर्ड होती है, ये विंडोज के थ्रू खुद पर खुद यूज हो जाता है। लाइक जैसे अगर आप जीमेल में लॉगिन करो और अपने यूजर और पासवर्ड को सेव कर दो, एक दफा जब आप अगेन अगर लॉगिन करने जाएंगे, तो आपका वहां पर यूजर आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। इसी तरीके से विंडोज के एक्सप्लोरर्स को हम यूज कर सकते हैं, और कई सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लॉगिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर या अदर एप्लीकेशन, हम इस तरीके का क्रेडेंशियल यूज कर सकते हैं। या हम किसी अगर वर्चुअल मशीन पर, कोई विंडोज वर्चुअल पीसी रन कर रहे हैं, वहां पर भी अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर रहे हैं और अगर हम सेव किए हैं, तो वो क्रेडेंशियल मैनेजर में सेव हो जाता है। इस तरीके से ये डिजिटल लॉकर का काम करता है क्रेडेंशियल मैनेजर, और यहाँ पर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होता है, जिसको विंडोज खुद पर खुद यूज करता है। तो चलिए सीखते हैं कहाँ पर वो अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है विन प्लस आर बटन और यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल। आप कंट्रोल पैनल में एंटर कर जाएंगे और कंट्रोल पैनल में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की जस्ट नीचे क्रेडेंशियल मैनेजर यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हो गया, जहां पर लिखा हुआ है मैनेज योर क्रेडेंशियल, और यहाँ पर उसके नीचे एक सेंटेंस है, व्यू एंड डिलीट योर सेव्ड लॉगिन इंफॉर्मेशन फॉर वेबसाइट, कनेक्टेड एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क्स। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वेब क्रेडेंशियल एंड सेकेंड ऑप्शन है विंडोज क्रेडेंशियल। तो आज की इस वीडियो में मैं वेब क्रेडेंशियल के बारे में ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में विंडोज क्रेडेंशियल को मैं बताऊंगा, डिफाइन करूंगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो पहला सिलेक्शन है वेब क्रेडेंशियल, तो यहाँ पर वेब यूजर आईडी और पासवर्ड है। लाइक देखिए, यहाँ पर हमारा एक geo.global.html की जो वेब पेज की यूजर अकाउंट है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर करके शो कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर, एक ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ, मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है और इसका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, और यहाँ पर सेव्ड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पर देखिए पासवर्ड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है सो, राइट साइड में सो पर क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो मैं अपनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, यानी कि मेन लॉग इन स्क्रीन का यूजर आईडी और पासवर्ड दे दे रहा हूँ, ओके करूंगा। यहाँ पर देखिए हमारे वेब, जो हमारा जो यूआरएल है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर आईडी है और जो पासवर्ड है capital T@sahi786, इसी तरीके से आप और भी सारी चीजों को देख सकते हैं, यानी कि आपका जो पासवर्ड है, अगर आप भूल गए हैं इनकेस, तो आप अपने पासवर्ड को यहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं, जान सकते हैं।
जैसे और भी कई सारी यहाँ पर, जैसे फ्लिक्स प्रेस पे मैंने आईडी अपना बना रखा है, flixpress.com ये वायरल है, और उज्ज्वल साइट 12 हमारी आईडी है। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ अगर शो अप करूंगा तो, चूंकि आईडी पासवर्ड मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है, तो शो करूंगा तो ये शो हो जाएगा कैपिटल आर एट द रेट साही 786। ऐसे ही मैंने जोहो सीआरएम पर अकाउंट बना रखा है, तो इसका भी मेरे पास यहाँ पर पासवर्ड अवेलेबल है। तमाम तरह की चीजें यहाँ पर, लिंक्डइन हमारा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, लिंक्डइन का भी पासवर्ड हम चाहे तो यहाँ से शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, तमाम तरह का यहाँ पर। जैसे सपोज करिए मुझे अपना ट्विटर का मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो ट्विटर का मेरा यूजर आईडी मुझे पता है, पासवर्ड मुझे नहीं याद है, तो मैं क्रेडेंशियल मैनेजर के जरिए मैंने पासवर्ड सेव कर रखा था, तो मुझे यहाँ पासवर्ड मिल गया। अब इसके जरिए मैं लॉग इन कर सकता हूँ। अमेजन, अमेजन की यहाँ पे यूजर आईडी है, अमेजन का मेरा पासवर्ड यहाँ पर अवेलेबल हो गया, शो कर रहा है। तो इस तरीके से जैसे फेसबुक है, फेसबुक यहाँ पर है, फेसबुक का सारा पासवर्ड हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। jio.com है, jio.com पे मैं लॉग इन करता हूँ अपना डेटा पैक चेक करने के लिए वो भी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना पासवर्ड यहाँ पर रिट्राइव कर सकते हो क्रेडेंशियल मैनेजर में, और यहाँ पर आपके हर आईडी और पासवर्ड को सेव किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में क्रेडेंशियल मैनेजर के जरिए आप अपने आईडी और पासवर्ड को जान सकते हो, और यहीं पर सेव भी कर सकते हो, यानी कि आप सेव करते हो। वेब क्रेडेंशियल, ये वेब क्रेडेंशियल रहा। अब आते हैं विंडोज क्रेडेंशियल में। तो जो विंडोज क्रेडेंशियल होता है, यहाँ पर आपके विंडोज क्रेडेंशियल में बैकअप्स होते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं आप। तो जेनरिक जो क्रेडेंशियल होते हैं, यहाँ पर अगर वन ड्राइव जो भी है या माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सबॉक्स का है, तो कई सारी चीजें यहाँ पर पासवर्ड और यूजर नेम जो होता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये क्रेडेंशियल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप है, तो यहाँ पर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का यूजर नेम है रणवीर शाही और पासवर्ड है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ। तो एडिट करूंगा तो यूजर नेम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से पासवर्ड करके सेव कर दूंगा मैं, चेंज हो जाएगा, तो मुझे अभी करना नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप क्रेडेंशियल वेब के जरिए, क्रेडेंशियल मैनेजर के जरिए वेब क्रेडेंशियल अगर आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल पैनल में ये फीचर्स मिल जाएगा, और इसके जरिए आप अपने पासवर्ड को रिटाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में न्यू ट्यूटोरियल के साथ, और देखते रहिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नमस्कार।